अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया था। इस लेक्चर में हम अच्छा इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे कि जब आपने मोबाइल पे पासवर्ड लगाना होता है, तो जब नया पासवर्ड मोबाइल पे लगाते हैं तो मोबाइल में पहले हम पासवर्ड एंटर करते हैं कि मैंने ये पासवर्ड जो है वो रखना है, और देन उसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब पासवर्ड आप ओपन करते हैं वही पासवर्ड टाइप करते हैं, तो मोबाइल क्या करता है कि वो जो पासवर्ड आपने एंटर किया था उसको और जो पासवर्ड अभी आप एंटर कर रहे हैं इन दोनों को कंपेयर करता है। अगर दोनों इक्वल हैं तो लॉगिन हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो इसी तरह से हमने जो डेटाबेस है वो क्रिएट करनी सीखनी है, जिधर हम पासवर्ड सेव कर देंगे और जब हम लॉगिन करेंगे तो दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड को क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने जाना है सर्विसेज के टैब में, इधर डेटाबेसेस, देन जावा डीबी पे आपने राइट क्लिक करना है और क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम हम रखते हैं कॉलेज रजिस्ट्रेशन डीबी, कॉलेज रजिस्ट्रेशन डीबी। इसी तरह यूज़र नेम रख लिया एडमन, पासवर्ड भी डेटाबेस का एडमन एडमन रख लिया है। यूज़र नेम एडमन नहीं हो सकता तो इसके लिए हम यूज़र नेम कॉलेज और पासवर्ड भी कॉलेज ही रख लेते हैं। री एंटर कॉलेज और सिंपली ओके। तो हमारी जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगी। तो डेटाबेस क्रिएट हो रही है, जब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद सेकंड एम हमारा होगा, हमने टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो टेबल सॉरी जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल जो है वो हम स्टोर करते हैं। तो ये हमारी डेटाबेस क्रिएट होगी। अब इस पे आप अगर देख रहे हैं तो ये एक लाइन सी आपको नज़र आ रही है, इसका ये मतलब है डेटाबेस हमारी कनेक्टेड नहीं है। तो आपने राइट क्लिक करना है और सबसे पहले इसको कनेक्ट करना है। जब ये कनेक्ट हो जाएगी फिर प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे, कॉलेज और टेबल्स। अब करंटली कोई भी टेबल नहीं है तो इधर हमने टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आ जाएगा। तो टेबल का नाम है हमारे पास लॉगिन, टेबल का नेम लॉगिन। दो कॉलम्स हैं इसके अंदर, पहला कॉलम है यूज़र नेम और इसके डेटा टाइप आपने रखनी है वारचार, और वारचार में आपने लेंथ देनी है कि पास यूज़र नेम कितनी लेंथ लॉन्ग हो सकता है, कितने करेक्टर्स लॉन्ग हो सकते हैं। सपोज़ कि इस केस में हम 30 दे लेते हैं और ओके। इसी तरह ऐड कॉलम, दूसरा कॉलम है पासवर्ड, तो पासवर्ड इसकी डेटा टाइप भी वारचार और उसके बाद कोई लेंथ ओके। तो ये हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, सिंपली ओके क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन का टेबल बन गया। अब इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड हमने खुद से सेव करना है, इसको हम यूज़र से भी ले सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल सिंपल जो लॉगिन फॉर्म है वो क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है, खुद से डेटा जो है वो इसमें ऐड कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका टेबल है लॉगिन, इसमें व्यू डेटा पे क्लिक करेंगे। तो करंटली इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, तो आपने इस प्लस सिंबल पे क्लिक करना है और इधर यूज़र नेम पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से एंटर कर देना है। सपोज़ कि मैं एडमन एडमन जो है वो अपने डेटाबेस में लॉगिन जो है वो रख रहा हूं, यूज़र नेम और पासवर्ड, और सिंपली ओके करेंगे तो रो वन पे एडमन एडमन यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो स्टोर हो जाए। तो इस तरह से आप सर्विसेज़ के टैब में जाओगे, डेटाबेस क्रिएट करोगे, फिर टेबल क्रिएट करने हैं और फिर उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो सेव कर देना है। सेव करेंगे तो हमारी जो डेटाबेस है वो क्रिएट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉगिन के बटन के ऊपर कोडिंग किस तरह से करते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो इधर यूज़र एंटर करेगा और जो डेटाबेस में, दोनों को मैच करके बताना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं, वो डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।